वीडियो में प्ले करते हैं कि आखिरकार कट्टरता के मायने क्या हैं, वो वीडियो क्या है, आइए उसे प्ले करते हैं, क्योंकि वो जिसने वो बात बोली वो इसी डिबेट में हमारे साथ मौजूद है, वो बाइट सुनिए आप पहले। अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना, तुम्हारे बाप का देश थे। आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ मुसलमान आप बांग्लादेश से ले आएंगे, 25 करोड़ मुसलमान आप पाकिस्तान से ले आएंगे, मतलब अखंड भारत करेंगे, अपनी बात को रख लेंगे ना, वो है ना, आप उनके स्पोक्स पर्सन तो नहीं है, एक बार बताइए, अखंड भारत करके आप मुस्लिम प्रधानमंत्री लेके आना चाहते हैं, और बागेश्वर बाबा को आपने बागेश्वर बाबा के लिए बोला कि 2024 के बाद वो लंगोट लेके भागेगा, एक हनुमान भक्त लंगोट लेके भागेगा, लंगोट लेके भागेगा और मुसलमान प्रधानमंत्री होगा, और आप कट्टरता के साथ नहीं है, ये कितनी गहरी कट्टरता है डॉक्टर शोएब जमाई? नहीं, ये बिल्कुल वही बात है जो एक स्थानीय पत्रकार ने मुझसे पूछा कि बाबा बागेश्वर अखंड भारत बनाना चाहते हैं और आरएसएस अखंड भारत की बात करती, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? मैंने कहा कि हाँ, मैं उसका समर्थन करता हूँ, आरएसएस के और बाबा के इस विचार का मैं समर्थन करता हूँ, और अगर ऐसा होता है अखंड भारत तो हाइपोथेटिकली आप सोचिए क्या हो सकता है, पाकिस्तान की जो आबादी है और बांग्लादेश की आबादी वो सब मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं कि फौरन वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे, वो रहेंगे तो मुसलमान ही, और भारत की आबादी मिलकर डेमोग्राफी और ये जो जनसंख्या का अनुपात ये बढ़ जाएगा, तो जब चुनाव प्रक्रिया होगी तो सांसद भी बढ़ेंगे और सब सांसद बढ़ेंगे तो मुमकिन है कि ऐसे आप अखंड भारत के अंदर आप हिंदुस्तानी से मुसलमान हो गए, मुझे लगता है अमीश ये अखंड भारत बनाना करोड़ों देशवासियों का सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना, और मैं चाहता हूँ कि अखंड भारत बने, वो भारत का अभिन्न जो विभाजन हुआ वो दोबारा से जुड़ जाए, इसलिए अमीश देवगन ने देश जोड़ने की बात कर रहा है। आपने आपने एक महिला इसी बाइट में, मैंने कहा एक महिला के लिए इसी कार्य इसी आपकी बाइट में आपने आगे एक महिला को हरामखोर तक कह दिया था, उस महिला ने मुसलमान लड़कियों को ऑफर दिया था कि तुम हिंदू से शादी, तो फिर गाली देंगे आप? कोई गाली नहीं दिया अमीश, बोलिए, मैंने इनको अगर आप हरामखोर कहेंगे तो गाली नहीं होगी, ये कहना है नहीं, मुझे लगता है पच्चीस पाकिस्तान, 25 बांग्लादेश और 25 भारत, टोटल मिलाकर के 75 करोड़, और उसके बाद 250 सीटें और उसके बाद मुस्लिम प्रधानमंत्री, हंसो मत, तुम कसम से मेरा तुम्हें सच में बोलने को मन है, आप ठाकुर बनिया ब्राह्मण जाट बने रहिए, ये सोचिए सोच क्या रहे हैं, तुम्हें अखंड हिंदू, तुम्हें हिंदू होने की जरूरत है, जातियों में यार ये कोई ऐसे कोई ना होता, बोला ना आपने अभी, अरे अखंड भारत मेरा थोड़ी प्रस्ताव है भैया, आपका है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं, बोलिए आप अपनी बात को, बोलिए, जातियों में रहना बट क्यों चाहते हो, मगर मैं आपसे एक बात और हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, और कहो तो पल्ला फैला कर भीख मांगू यार, अगर जो एक होकर रहना है तो रहो, वरना तो देश का विघटन ऐसे होगा, आपको ठाकुर ब्राह्मण बनिया जाट गुजर बनाकर रखेंगे और खुद दुनिया के शहरों के भी मुस्लिम जोड़ रहे हैं, और उसके बाद सांसद बना रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री चाहते हैं, ये निर्णय आप कीजिए कि आप जातियों में बटकर रहना चाहते हैं या हिंदू होकर या इस मानसिकता के गुलाम होकर, से आप कीजिए, इस देश को पहले ही क्या कम सर जयचंद मिले थे, क्या बात करते हैं आप देश में रहकर क्या पाकिस्तान से सांसद बनेंगे, प्रधानमंत्री हो सकते हैं मुसलमान नहीं हो सकते, आप बाहर से इंपोर्ट करिएगा, जवाब दे रहा हूँ डॉक्टर जमाई, डॉक्टर जमाई, मैंने सुनी बात, शुक्ला डॉक्टर, मैं जवाब दे रहा हूँ डॉक्टर जमाई, अगर मैं क्यों बोला ये की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको, एक अगर तो इस देश में हमारे सिख प्रधानमंत्री बन सकते हैं अल्पसंख्यक समुदाय से, तो अगर मैंने कहा कि एक पशमानदा मुसलमान जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बहुत पसंद करते हैं, अगर पशमानदा मुसलमान कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई मुस्लिम महिला हिजाब वाली अगर प्रधानमंत्री बन जाए, तो क्या बदल जाएगा? अब आपने बोला कि कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या हर्ष है, बहुत सही बात है, लेकिन पाकिस्तान से सांसद लाके प्रधानमंत्री बनाइएगा, पॉइंट नंबर वन, सुनिए पहले पूरी बात सुनिए, पहली बात सुनिए,
आप बांग्लादेश से सांसद लाकर प्रधानमंत्री बनाइएगा। तीसरी बात सांप्रदायिकता ये है, सांप्रदायिकता यही है कि जब ये देश मुस्लिम बहुल हो जाएगा तो मुसलमान प्रधानमंत्री ही होगा। सांप्रदायिकता ये है इसके अंदर। देश में 100 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है, ये है 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है। यहाँ पे राष्ट्रपति मुसलमान हुआ है, किसी ने उनका धर्म नहीं देखा, किसी ने उनका धर्म नहीं देखा। अखंड भारत चाहते नहीं चाहते, अखंड भारत चाहते कि नहीं चाहते? हम भारत को लोकतांत्रिक चाहते हैं। आप अखंड भारत, अखंड भारत नहीं चाहते, अखंड भारत नहीं चाहते जिसमें 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 सांप्रदायिकता की बदबू है। आप लोग अखंड भारत चाहते कि नहीं चाहते? अरे बोल दो ना, आप अखंड भारत चाहते नहीं चाहते बताइए? मैं चाहता हूँ अखंड भारत, आप बताइए अखंड भारत चाहते नहीं चाहते? अखंड भारत चाहते और हिंदू ही प्रधानमंत्री रहेगा, चलता रहेगा। और आप शिया सुन्नी लड़ते रहोगे। आप अखंड भारत चाहते हैं, देख कर नहीं पा रहे हैं। इस देश के पीछे जाइए, इस देश के करोड़ों देशवासियों की ये सपना है भारत अखंड भारत बने। डॉक्टर प्रेम शुक्ला, ये जो पाकिस्तान बांग्लादेश टूट गया ये फिर से जुड़ जाए। अब डॉक्टर प्रेम शुक्ला देन साजिद, ये मेरी देशभक्ति है। ये अब बड़ी देशभक्ति दिख रही है आपकी, इनकी इनकी जिसमें आप लंगोट, आप कह रहे हैं ये लंगोट लेकर बाबा भागेगा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपने बोला, आपने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बोला कि वो लंगोट लेकर भागेगा, वो हनुमंत भक्त लंगोट लेकर भागेगा। आपने बोला 2012 में रामदेव बाबा के साथ ऐसी घटना हुई थी, ये ख्याली। आपने किसी धर्म गुरु के बारे में भी बोला? ये किस, आपको इजाजत किसने दी बोलने? इजाजत किसने दी आपको बोलने? हमने किसी का नाम नहीं लिया। राजनीतिक बागेश्वर धाम के करोड़ों भक्त है जी। खयाली पुलाव पकाने वाले इस बात का ध्यान रखें। अब आपकी तैयारी क्या है जी 2024 के अंदर? ये तो दूसरी तैयारी कर रहे हैं, वो उसी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हो जाएगा, लंगोट लेके बाबा भागेंगे। क्या 2024 में अखंड भारत बन जाएगा क्या? बाबा तो यही रहेंगे, लेकिन बाबा के विरोधी नंगे भागेंगे अगर बाबा के समर्थक उतर गए तो। एक बात दूसरी, जो अहले इस्लाम की बात करके पाकिस्तान ले गए थे, सिर्फ 30-24 सालों के भीतर पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गया। और आज भी पाकिस्तान में सिंध अलग होने को तड़प रहा है, पंजाब अलग होने को तड़प रहा है, बलूचिस्तान अलग होने को तड़प रहा है। इनकी औकात हो तो पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक करा दे। है इनकी औकात, है इनकी औकात, है इनकी औकात। हम उसको भारत में ले आएंगे, अखंड भारत में शुरू कर। अगर हमने चाह लिया तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े करके उसको भारत में शामिल कर देंगे और अखंड भारत। डॉक्टर भाई आप अपनी जगह पर रहिए। मुस्लिम लीग बनाकर भारत का विभाजन करते हैं धर्म के आधार पर, फिर कहते हैं कि मैं बांग्लादेश पाकिस्तान मिलाकर हम एक करेंगे। अरे आप लोग, आप लोगों का सपना है देश पर कब्जा हो, अभी प्रेम भाई ने दो बातें कही, बहुत अच्छी बात कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। मैं तो कहता हूँ कि उनके 1000 टुकड़े हों, क्योंकि हमारा दुश्मन देश है वो, और हम वो अगर एक इंच भी अगर हमारी जमीन लेने का सपना भी देखता तो उसको बता दे कि हम लोग चाहे कितना भी लड़ लें, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं नरेंद्र मोदी से, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं आरएसएस से, लेकिन जब बात जहां देश की एकता और अखंडता की आएगी, हम हर हिंदुस्तानी एकजुट खड़े होकर दुश्मन देश का मुकाबला हिंदुस्तान करेंगे। और दूसरी बात सुन लीजिए, अखंड भारत का प्रस्ताव सरकार ने दिया है, पार्लियामेंट में फोटो भी लगा है, और अगर अखंड भारत बनेगा तो उसमें यह नहीं कि पाकिस्तान के सिर्फ मुसलमान या हिंदू, फिर वो पाकिस्तान नहीं होगा, फिर उसे अखंड भारत कहा जाएगा। और जब अखंड भारत होगा, हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक ही रहेगा, ना ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, ना इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। और जो सपना देख रहा है वो देश विरोधी है, देश संविधान से चलेगा। आपने बोला कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक ही रहेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस देश में बहुत सारे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो कोई है नहीं, कोई भी नहीं है, मतलब एक नेपाल होता था, अब तो वो भी नहीं है, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र मेरी गिनती अगर सही है 56-57 है, 58 हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते। एक लोकतांत्रिक देश बता दीजिए वहां पर, उन 56-57 देशों में वन डेमोक्रेटिक कंट्री। पहली बात तो यह कि हम भारतीयों को विदेश से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें अपने देश की चिंता है, हम देश की प्रगति में। ये सवाल पूछा मैंने कि सुनना चाह रहे हैं वो बता रहा हूं। अभी टर्की का इलेक्शन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी, तो लोकतांत्रिक हुआ कि नहीं हुआ? बधाई दी। टर्की लोकतांत्रिक है, ये प्रधानमंत्री, मतलब 57-58 में से एक लोकतांत्रिक देश आपको दिखा। मुझे तो एक का नाम बताओ, मैंने नाम बता दिया, आपको एक दिखाया ना, आउट ऑफ 57-1, मुझे ओनली 57-1। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फोर्सफुली कन्वर्जन कराना, धर्मांतरण कराना नेशनल सिक्योरिटी के लिए
थ्रेट जी, 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 बिल्कुल कहा जी। उसके बावजूद भी निरंतर ये चीजें हो रही हैं, चाहे वो गेमिंग ऐप के जरिए हो, चाहे हाथरस में एक स्कूल के जरिए उनको नमाज पढ़ाने की प्रैक्टिस की गई। दमोह में तो कौन सी वो तहजीब होती है पता तुम्हें कोई? एक वो गंगा यमुनी तहजीब, दोनों बह गई उसमें, तीन तो टीचर परिवर्तित हो गई। गंगा यमुना स्कूल का नाम था वैसे। हाँ, उसी में तहजीब दिया गया ना, वही ना तहजीब दिया गया। अच्छा कर, और छोड़ दीजिए दमोह देख लीजिए, और उसके बाद बचा कुचा गाजियाबाद देख लीजिए। आप सरस्वती पूजा करते थे स्कूल में? हाँ। तब आपका ये हाल है। चलिए अब आप, और हमारे स्कूल में हवन भी होता था। बोलिए ओम गुरुदेव गोस्वामी। पब्लिक डिमांड आ गई, गायत्री मंत्र सुना दीजिए। अब मैं क्या बोलूं इनको, गायत्री मंत्र सुना दीजिए। बोल रहे देखिए, गायत्री मंत्र सुना दीजिए। क्या कह रहे हैं आप लोग? ओम गुरुदेव गोस्वामी। स्कूल छोड़े हुए इतने बरस हो गए, लेकिन मुझे थोड़ा याद है, मुझे थोड़ा याद है, मैं सुना रहा हूं। सब्र रखिए, ज्यादा चीयर लीडर मत बनिए, सुन लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात्। गलत बोल दिया, गलत। मुझे इतना गलत, मुझे इतना ही याद है। अभी बड़ी बात है, 15-20 साल हो गए स्कूल छोड़े हुए। मैं हेड बॉय हुआ सरस्वती माँ की प्रार्थना। अमीश, हमारे स्कूल में होता था, सारे बच्चों को उसमें शामिल होना पड़ता था। प्रार्थना कर रहे हैं सर। प्रेम शुक्ला और सुनिए, उसमें शामिल होना पड़ता था, मैं ही हेड बॉय था, तो हमें कभी मेरे माँ बाप ने नहीं कहा कि तुम रेडिकल हो गए हो, हिंदू हो गए, नहीं कहा। क्योंकि हम सभी रचिती साहब, मैं डीएवी का स्टूडेंट हूँ। अब या नहीं, गायत्री मंत्र पढ़ लिया उन्होंने राष्ट्रीय चैनल पर। अब बोलिए, अभी अभी स्वर्ण जाति के लोग क्रिकेट वो खेल रहे थे फुटबॉल, और एक दलित लड़के ने फुटबॉल को छू लिया तो उसको मारा। दुष्प्रचार देखिए, उसको मारा, गलत है। ये पब्लिक डोमेन में है, ये पब्लिक डोमेन में, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। अमीश, तो आप कौन से पहले तो आप ये डिफाइन कीजिए कौन से हिंदुओं में करना चाहते हैं। अब डॉक्टर जमाई के ऊपर सवाल पूछा अंबर जैदी जी ने, उसके जब क्या सवाल था आपका? उन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ा, क्या इसके बाद ही मुसलमान है? सवाल ही नहीं है कुछ भी, ये सवाल नहीं है, सवाल ही नहीं है। अरे सवाल है तो इस्लाम के सवाल बताते हैं। ये डर गए, डर गए, आपका डर गए, ये स्वयं जमुई से डर गए। अभी आपने कहा कि अंग्रेज औरंगजेब ने भारत को बनाया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणम् वर्षम् तद् भारती नाम भारती यत्र सन्ति तः। भारत था, है और रहेगा। जी ओके, ये जवाब था, सवाल नहीं था। ओके ओके, आपने पुलिस पूछ लिया सवाल, जिसने नहीं पूछा वो पूछे सवाल क्या। जब लड़कियां प्यार में अल्लाह अकबर बोल सकती हैं, तो ये मुस्लिम जो लड़के हैं वो जय श्री राम नहीं बोल सकते? वो कह रहे लड़कियां अगर प्यार में अल्लाह अकबर बोल रही है। मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं बार बार कहता हूँ कि परिवार, ये फैसला जो है ना विवाह का, बिल्कुल संवैधानिक आजादी है, मैं उस पर नहीं जा रहा। विवाह का फैसला परिवार वालों को करने दीजिए। परिवार वाले मुझे और आपको जितना प्रेम करते हैं कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम इश्क में जो बह जाते हैं ना कि ये यही मेरा आशिक है। अभी क्या हुआ, लिव इन रिलेशनशिप में मुंबई में कुकर में उबाल दिया, साक्षी को मार दिया, दोनों तरफ अपराधी हैं। और भाई जो धर्म बदल सकता है, जो आस्था का प्रतीक है, चाहे वो हिंदू बदले या मुसलमान बदले, जो धर्म बदल सकता है तुम्हें भी कल को धोखा दे सकता है। एक दादा हमसे क्यों अनफेयर करते हैं? सुनिए, अनफेयर नहीं करता सर, आपको बहुत मौका दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, श्लोक के बाद के आगे का श्लोक है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाथार्य संभवामि युगे युगे। तो भगवान कृष्ण जिस चीज को कह चुके हैं मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। और रही बात किसको अपना मानते हैं और किसको नहीं, तो सुन लीजिए भाई साहब, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू, मेरा परिचय, चाहे वो दलित हो। और दलित दलित करते हैं आप, दलित आप पढ़े अंबेडकर को, आप एक बार भारत विभाजन पकड़ तो पढ़ ले, उसके बाद ये आप कम से कम नाटक नहीं करेंगे। जल्दी, हमारे यहाँ महाराणा प्रताप शिवाजी और भगवान राम, उन लोग अपने माता पिता का बात मान के जंगल में गए, वहां पे तपस्या की। लेकिन आप बता रहे हैं जो औरंगजेब जो अपने पिता का सर कलम करता है तो उन्हें सिखाया था, और आपके आपके यहाँ आपके मौलवी सिखाते हैं कि आतंक आतंकवाद को बढ़ावा दो, तुम्हें 72 उड़े की जन्नत मिली। लेकिन लेकिन सुनिए, हमारे हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है, हमेशा सुनिए सुनिए, हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है कि 72 हुरे की जन्नत मिलेगी। ये भारत हुरे की जन्नत है क्या? वो कह रहा 72 हुरों की जन्नत है क्या? नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, आप मेरे सुनिए भाई, मेरे रिलीजियस फेथ पर आप डिस्कशन मत करिए, आप रिलीजियस एक्सपर्ट नहीं है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे भैया आप नहीं बोल सकते हैं कि स्वामी लंगोट लेके भागेंगे। आप मैंने कहा, इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने बोला, अगर आप हम पे सवाल खड़े करेंगे तो हम भी आप पे सवाल खड़े करेंगे। भारत में रहने वाला कोई मौलवी साहब
अगर वो कहे कि हम कोई इस्लामिक राष्ट्र बनाता है बनाना है, ऐसे मौलवियों को भी अपना पजामा छोड़ के भागना चाहिए। और अगर कोई कहे कि हम भारत में यहाँ से हिंदू धर्म के बुनियाद पर एक राष्ट्र बनाएंगे, वो भी एक देशद्रोही बयान है। आप खुद उन पर भी आप खुद बाइट दे रहे थे, तो आपको पजामा छोड़ के भागना चाहिए क्या? क्यों, हम अखंड भारत खुद बाइट दे रहे थे थोड़ी देर पहले, भारत की बात थी आपकी, क्या बात आपकी, तो खुद बाइट थी अभी थोड़ी देर पहले, आपकी खुद बाइट थी।